नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रोनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, के आज जो शेयर आज वो टेक्सटाइल सेक्टर का शेयर है। तो बेसिकली आपको पता, जब से पहले स्कीम आई है उसके बाद से टेक्सटाइल शेयर को एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई ऊर्जा मिली है। उन शेयरों के अंदर अप ट्रेंडिंग, अप मूव आ रहे हैं। तो टेक्सटाइल कंपनियों को रिलीफ काफ़ी मिला है पीएलआई स्कीम के बाद से। तो डेफिनेटली जो इंडियन की टेक्सटाइल कंपनी है उनको ग्रोइंग करने का मौका मिला है। तो गवर्नमेंट भी उन्हें सपोर्ट कर रही है और इस सेक्टर में मुझे लगता है अभी भी और अप मूव आना बाकी है। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है कि टेक्सटाइल शेयरों के अंदर आपको इन्वेस्ट करके रखना है। और जो मैं शेयर दे रहा हूँ वो पैनी शेयर है। तो इस पैनी शेयर के अंदर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको शेयर को बाय करना है। तो डेफिनेटली आपको इसमें अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे आने वाले लॉन्ग टर्म के पर्पज से आप लेके इसे होल्ड करेंगे। तो आज तारीख है 5 अक्टूबर, दिन शाम के 4 बजे रहा मार्केट आज ऑफ है। मंडे को जब भी मार्केट ऑफ ऑन होगी, जब भी इसमें आपको अच्छी अप मूव देखने को मिलेगी। और बेसिकली इसका 3 अक्टूबर को इसका क्वार्टर में सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया था, तो उसमें अच्छे रिटर्न देखने को मिले। तो अब इसमें अब ट्रेंडिंग और भी आएगी, ये समझा जा सकता है, क्योंकि ईयर वाइज भी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो समझते हैं, उससे पहले अगर प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो देखिए, मैंने कंपनी की वेबसाइट ओपन कर रखी है। कंपनी का नाम है ट्यूनी टेक्सटाइल माइल्स लिमिटेड। का काम क्या है, फैब्रिक बनाती है, प्रीमियम फैब्रिक सप्लायर है और टेक्नोलॉजी इनकी अच्छी है। कब से ये कंपनी 1987 से है और ये फैब्रिक का प्रोडक्शन करती है यार्ड का, ठीक है। तो कंपनी का क्या सबसे एक स्लोगन, मेक इन इंडिया का टारगेट स्लोगन लेके चल रही कंपनी, ठीक है। तो कंपनी के प्रोडक्शन में ये देखिए आप, यार्ड देख रहे, धागे बनते हैं, ठीक है, फैब्रिक बनाने कंपनी का काम है। तो बेसिकली क्या है टेक्सटाइल, ये देखिए ये फैब्रिक है उनका। तो बेसिकली क्या है, फैब्रिकेशन का काम करती कंपनी और टेक्सटाइल की कंपनी, कपड़ा धागा ये बनाने का काम कंपनी का मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है। तो आप समझते हैं इसके अंदर ऐसा क्या है कि इसमें बाय करना है नहीं करना। ये पैनी शेयर है, डेफिनेटली पैनी शेयर आपको पता है कितनी स्लो मूव के साथ बढ़ता है, बट जब भी इनमें अच्छी अप ट्रेंड देखने को मिलती है तो बहुत तेजी से भागते हैं ये, ठीक है, इनको रोक नहीं पाते। बट हमें अपने यानी कि 100 रुपये से 30 रुपये इसके अंदर होल्ड रखिए आप लगा के, तो डेफिनेटली इसमें आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, अच्छी अप मूव मिलेगी देखने को। अब समझते हैं, ये ओनली BSE में मिलेगा आपको शेयर। ये देखिए, मैंने गूगल पर ओपन कर रखा है ट्यूनी टेक्सटाइल माइल्स लिमिटेड का। तो ये ओपन होता है यानी 4 तारीख को, कल जब मुहूर्त ट्रेडिंग ओपन हुआ था उस टाइम पे ये ओपन होता है 1.89 पे, ठीक है, और हाई मारता है 1.90 रुपये का, लो मारता है 1.80 रुपये। इसका 52 हाई है 2.58 रुपये का, 52 लो है 0.26 रुपये का, ठीक है। तो ये इसका 52 हाई 52 लो है। तो ये देखिए, ये 2 रुपये, इसका 52 हाई गया है 2.58 रुपये का, इससे ऊपर नहीं गया अभी तक ये, ठीक है। तो बाकी इसमें देखते हैं 5 दिन में इसमें हमें रिटर्न कितनी दी है। 5 दिन में इसने 17% के रिटर्न दिया अभी तक इसने। 1 मंथ के अंदर 46% रिटर्न दिया, 6 महीने के अंदर 313% रिटर्न दे चुका है, और आज तक की डेट में यानी कि टिल टू ईयर के अंदर इन्होंने 227% रिटर्न दे चुका है अभी तक। यानी कि आपने अगर 6 महीने पहले भी इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो आपको 200% इसमें रिटर्न मिल चुके होते हैं अभी तक इसके अंदर, ठीक है ना। इंडिया की कंपनी है, मेक इन इंडिया का लोगो लेके, स्लोगन लेके चलिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे बोलते हैं कि मेक इन इंडिया, लोकल टू वोकल, उसको प्रमोट करिए कंपनी इस टाइम पर, जिसके बाद से जो हमारी डोमेस्टिक कंपनी है उसको बहुत अच्छी अप मूव देखने को मिली है। जैसे लाइक ट्राइडेंट में आपने देखना होगा पैनी शेयर कैसे अब मीडियम पे आ चुका है, स्मॉल कैप में आ चुका है। तो डेफिनेटली ऐसे ही ये शेयर होता है। ये कंपनी काफ़ी यानी कि देखिए मैक्स पे जाऊँगा तो ये कंपनी अभी तक जितने रिटर्न नहीं दे चुकी ऑल टाइम में, ठीक है। तो ये देखिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न समझते हैं मोटा मोटा। तो पब्लिक प्रमोटर के पास है 21.73%, पब्लिक के पास है 77%, और इसमें DIC रखता है यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर इसके अंदर रखता है 0.38%, ठीक है। तो ये डोमेस्टिक के पास है। अब समझते इसका ओवरव्यू थोड़ा, ठीक है। ट्यूनी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का मार्केट कैप है 24.8 करोड़ का, स्टॉक पी काफ़ी अच्छे रेट पर चल रहा है 29.2, ROCE 5.53, और इसकी बुक वैल्यू 0.95, ROE 0.90%, फेस वैल्यू 1 रुपये की है। ये इसका ओवरव्यू है फाइनेंशली। अब देखिए कंपनी के ने क्या करा, अपना कर्जा कम किया है, कंपनी क्वार्टर रिजल्ट दे रही है। कंपनी के अंदर नेगेटिव पॉइंट क्या है वो समझते हैं। कंपनी ने जो पुअर ग्रोथ से सेल दे रही है, -9.59% दे रही है लास्ट 5 साल के अंदर। प्रमोटर होल्डिंग इसकी लो है, ठीक है, ये भी एक इसमें नेगेटिव पॉइंट है। प्रमोटर कंपनी हैव
हैव अ लो इक्विटी रिटर्न दिया कंपनी ने अभी तक, कंपनी के कर्जा कम कर्जा देने के दिन है वो है 166.8 दिन है। अब देखते हैं भैया इसके अंदर और क्या हुआ था। देखिए सितंबर का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया था 3 तारीख को, तो इसके अंदर इन्होंने सेल हुई थी 13 करोड़ की, ठीक है। ये भी भाई देखें ना, दो गुना बढ़ी है सेल, यानी अब जून क्वार्टर के अंदर थे इसके अंदर सेल थी 6.55 करोड़, ठीक है। तो वो बढ़ के हुई है सितंबर क्वार्टर के अंदर 13.09 करोड़, ठीक है। तो ये था, और इनका एक्सपेंस डबल हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ईयर ईयर वाइज चेक करेंगे तो ईयर ईयर वाइज 200 गुना दिया, ये सितंबर 2020 के अंदर था 0.38, वो बढ़ के हुआ है 13.09, यानी कि देखिए 200 गुना रिटर्न दिया, यानी कि 1 करोड़ भी नहीं आया। तो वहाँ ईयर ईयर वाइज चेक करेंगे तो सीधा 13 करोड़, यानी 200 करोड़ से ऊपर का यानी सेल्स हुई अभी तक, यानी 200 गुना रिटर्न सेल कर दिए इन्होंने। वहीं देखेंगे तो इनका पर प्रॉफिट आया है वो आया 0.33, ठीक है। वही जून क्वार्टर के अंदर आया था इनका 0.31, तो 2 पॉइंट यानी कि 2 लाख पर बढ़ के आया, ये भी प्लस में आया क्वार्टर वाइज और क्वार्टर क्वार्टर वाइज। वहीं हम ईयर ईयर वाइज चेक करेंगे तो जून क्वार्टर सितंबर 2020 के अंदर देखिए -0.23 था, वो प्लस में हुआ, यानी कि 100% से अबव आ गया, ये प्लस में आ चुका है, नेगेटिव से प्लस में आ चुका है, ये भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है। यानी कंपनी ईयर ईयर वाइज प्रॉफिट में चल रही है, क्वार्टर क्वार्टर वाइज भी प्रॉफिट में आई है कंपनी। बस ईपीएस में थोड़ा डाउनफॉल आया, बाकी कंपनी की ग्रोइंग है, कंपनी की सेल बढ़ी, क्योंकि जब सेल नहीं बढ़ेगी तो कंपनी बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस नहीं आएगा तो कंपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। ये सीधा फंडामेंटल है कि भाई किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो उसमें इनकम कहाँ से आएगी, उसके पास इनकम नहीं आएगी तो अपना शेयर का यानी कि अपनी इनकम में से अपना प्रॉफिट कैसे निकालेगी। तो बेसिकली इसकी सेल बढ़ी है, ये देखेंगे आप, यानी कि दिसंबर 2018 के बाद से अब सितंबर के अंदर इनकी 13 करोड़ की सेल आई है, यानी कि आप देखिए ना दिसंबर 2018 के क्वार्टर रिजल्ट के बाद से ये देखिए आपकी सेल इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। और बाकी ईयर ईयर वाइज के अंदर इनका यानी 50% इसी क्वार्टर में इन्होंने कवर कर लिया है। देखिए अब ये चीज़ें समझने वाली होती है, कंपनी का क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है, ये ईयर वाइज रिजल्ट आपका अच्छा है, ये देखिए ना आप यहाँ पर देखिए सेल दोनों की बढ़ी है। अब थोड़ा सा ईयर ईयर वाइज समझ लेते हैं थोड़ा सा इसका। देखिए मार्च 2020 के अंदर इनकी थी 25 करोड़ की सेल, वो बढ़ के उतनी आई थी सेल, ठीक है। बाकी प्रॉफिट इनका बढ़ाता है, यानी कि मार्च 2020 के अंदर इनका प्रॉफिट 0.97 था, बढ़ के हुआ था 1.28 करोड़ का, ठीक है। ईपीएस भी इनका मार्च 2020 के अंदर ईपीएस इतना ईपीएस इनका था -0.30, वो -0.02, वो प्लस में आ गया था 0.01, ठीक है। ई पी एस भी इनका प्लस हुआ था, ईयर ईयर वाइज भी रिजल्ट अच्छे दिया, लास्ट ईयर से इस ईयर भी अच्छे रिजल्ट दिया। और आई होप जब से पी एल ए स्कीम का सपोर्ट मिला, इनका कर्जा कम करने रिबेट मिला गवर्नमेंट की तरफ से, तो इनको सपोर्ट मिला और डेफिनेटली ग्रोथ भी अच्छी होगी, इनको पैसा मिलेगा तो इनको कर्जा कम करने के दिन भी अच्छे मिलेंगे। तो इसका ये प्रॉफिट है, ये इनके सब चीज़ें प्लस में देखने को मिलेंगी आपको। तो कंपनी ईयर ईयर वाइज भी क्वार्टर क्वार्टर वाइज रिजल्ट भी अच्छे दे रही है। तो अब इसमें समझना क्या है, ये देखिए एक पैनी शेयर है, पैनी शेयर को हमें क्या करना था, अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत ऐड करके रखना चाहिए। कब इसमें कब अप ट्रेंडिंग आ जाए कोई समझ नहीं पाते, क्योंकि कंपनी कर्जे में थी, कर्जे से धीरे धीरे उभर रही है कंपनी, कंपनी की सेल बढ़ रही है, कंपनी की ग्रोथ बढ़ रही है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पैसा इसमें इन्वेस्ट करके रखिए, ठीक है। तो ये कंपनी बहुत अच्छी रिटर्न दे, क्योंकि एक समय पर कंपनी 250 तक के लेवल पर ट्रेड कर रही थी इसमें, तो जब इसमें कर्जे हुआ कुछ कमी आई, तो जब उसके बाद से गिरावट हुई कि कंपनी 0 पैसों के अंदर ट्रेड हो शेयर चला गया था, अब पैसों 0.10 पैसे से कंपनी का शेयर फिर से अब ट्रेंडिंग पर आ चुका है, तो 3 रुपये तक पहुँच चुका है। अब देखिए ये इसमें ये देखिए टिकर टाइप के साइड में कोई अप ट्रेंडिंग नहीं दिखा रखा है, बस इसमें बाकी हम थोड़ा सा चार्ट और समझ लेते हैं। देखिए चार्ट के अंदर मैंने डेली चार्ट ओपन कर रखा है, ये देखिए किस तरह से ये अब इसके RSI इसके एवरेज मूविंग जो है DBSI दोनों अप ट्रेंडिंग की तरफ है ये, ठीक है ना। तो चार्ट पे भी अप ट्रेंडिंग दिखा रहा है, ये देखिए अपने 200 दिन 150 दिन 100 दिन और 21 दिन के अप ट्रेंडिंग की तरफ है ये, तो डेफिनेटली इसमें और भी अप ट्रेंडिंग आएगी। तो ये सारी अप ट्रेंडिंग चल रही है इसमें, तो आपको क्या करना है, इसमें बस थोड़ा सा होल्डिंग करके पैसा बने रहना है और अपने प्रॉफिट के हिसाब से इसमें प्रॉफिट बुक करना है, अपनी होल्डिंग के हिसाब से इसमें होल्ड करना है। तो बस मेरा ये रिव्यू था इसके अंदर कि भाई आपको समझाना दिखाना कि भाई एक पैनी शेयर है, इसके अंदर आने वाले टाइम पर अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।